विंध्याचल की उपजाऊ जमीन पर साइंसी तरीके से ज़राअत को फ़रोग दिया जा रहा है। रीवा में गेहूं, धान, सोयाबीन फसल की बड़ी तादाद में पैदावार होती है। ज़िले में काश्तकारों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड मंसूबा एक नेमत साबित हुआ है। मिट्टी जांच लैब में काश्तकार अपने खेत की मिट्टी में मौजूद अज्जा की जाँच कराता है, साथ ही खेत की मिट्टी में किन चीज़ों की कमी है इसके बारे में ज़रई अफसर रहनुमाई हिदायत देते हैं। किसानों का कहना है कि पहले वह मिट्टी की जांच करवाए बगैर ही डीएपी और यूरिया खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सॉइल हेल्थ जांच के बाद सॉइल कार्ड में दर्ज खाद की कुव्वत के लिहाज से केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जरी पैदावार में इजाफा हुआ है। मिट्टी प्रशिक्षण हुआ, प्रमाण पत्र हम लोगों को मिला सॉइल कार्ड का, तब से हम लोग उस कार्ड के हिसाब से जो हमारे आरईओ हैं ये लोग हम लोगों को बताते हैं, सॉइल कार्ड को भी हम लोग देते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जब कार्ड के हिसाब से जब हम लोग खेती करने लगे तो हमारी फसल बढ़ी है, उत्पादन भी बढ़ा है। इसके पहले खेती पाती करते थे तो यही यूरिया डीएपी मतलब अनावश्यक रूप से बिना जानकारी के कितना तादाद है कैसे ये सब नहीं, तो उसका उत्पादन सही लाभ हमको नहीं मिल पाता था। जब से अपने एग्रीकल्चर विभाग से आरईओ ग्राम सेवक सभी ये वहाँ जा के क्षेत्र में सब बताए और ये मृदा परीक्षण हुआ, तो इसके बाद से जो ज़मीन के लिए उर्वरा शक्ति चाहिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन हो रहा है। यूरिया डीएपी के अलावा जिंक, फास्फोरस, नाइट्रोजन जो भी हमारे ज़मीन को आवश्यक पड़ता है मिट्टी परीक्षण करा के हम लोग उसको नई तकनीक से कर रहे हैं, उससे हमारे खेत का उत्पादन बढ़ा है, आय बढ़ी है और काफ़ी किसानों को इसमें फायदा हुआ है।